में और वेब सीरीज से पहले यह दावा किया जाता है कि यह कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन प्रश्न यह है, सवाल यह है कि वाकई सब कुछ सत्य दिखाया जाता है या सत्य की आड़ में असत्य वाला एजेंडा प्रोपेगेंडा फिट किया जाता है, एक टूल किट काम करती है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि करीब 25 साल पहले हुए कंधार विमान अपहरण कांड पर एक नई वेब सीरीज मार्केट में आई है जिसमें हाईजैकर्स के तौर पर दो नाम दिखाए गए हैं, भोला और शंकर, जबकि असल में हाईजैकर्स के नाम थे मोहम्मद इब्राहिम अख्तर और मोहम्मद शाहिद अख्तर, मोहम्मद सनी अहमद जहूर मिस्त्री और मोहम्मद शाकिर। और तर्क यह दिया जा रहा है कि भोला और शंकर नाम इसलिए दिखाए गए क्योंकि भोला और शंकर दो आतंकियों के कोड वर्ड थे, कोड नाम थे। तो सवाल है कि पूरी वेब सीरीज में यह क्यों नहीं बताया गया कि भोला और शंकर के असली नाम जहूर इब्राहिम मिस्त्री और मोहम्मद शाकिर अहमद थे। हालांकि सूचना प्रसारण मंत्रालय में पेशी के बाद नेटफ्लिक्स इंडिया को अकल आई और उनको पता लगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है और वो उन्होंने अपने डिस्क्लेमर में बदलाव करने की बात कही है और वो बताएंगे कि आतंकियों के असली और कोड नेम क्या थे। लेकिन सवाल सिर्फ इस वेब सीरीज का नहीं है व्यूअर्स, तांडव से काली तक, पीके से लेकर हवस के पुजारी तक क्या कोई एजेंडा चलाया जा रहा है, आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हाईजैक करे शाकिर, बदनाम हो शंकर, ये कब तक चलेगा ये खेल भयंकर। इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक हुआ। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को हाईजैक किया गया था। मकसद था आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाना। हाईजैक करने वालों के नाम थे मोहम्मद इब्राहिम अख्तर, मोहम्मद शाहिद अख्तर, मोहम्मद सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और मोहम्मद शाकिर। हाईजैक की इस घटना के 25 साल बाद एक OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज आई। दावा किया गया कि IC-814 की सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में इसमें सब कुछ सच दिखाया गया, क्योंकि कंधार कांड के 5 आतंकवादियों में 2 के नाम भोला और शंकर बताए गए जबकि उनके असली नाम जहूर इब्राहिम मिस्त्री और मोहम्मद शकीर अहमद थे। अब कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने हाईजैक के दौरान अपने कोड नेम का इस्तेमाल किया, तो सवाल है कि पूरी सीरीज में आतंकवादियों के असली नाम क्यों नहीं बताए गए। लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नेटफ्लिक्स इंडिया के अधिकारियों की पेशी के बाद अब सीरीज के डिस्क्लेमर में बदलाव किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आतंकवादियों के असली और कोड नेम क्या थे। Nobody thinks that there were some people from India who did the hijacking. So how the people have Hindu names in that movie, I don't know, but I am very, very happy that the INV Ministry and the Government of India has taken cognizance of this and has summoned Netflix. लेकिन सवाल है कि फिल्मों और वेब सीरीज में कभी देवी देवताओं का उपहास, कभी मुगलों का गुणगान, कभी हवस का पुजारी जैसे शब्द, कभी गुंडे के लिए गुड्डू पंडित जैसे नाम के पीछे की मंशा क्या है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हाईजैक करे शाकिर और बदनाम हो शंकर, लेकिन आज अभिव्यक्ति के दोहरे मापदंड का विश्लेषण मैं आपको बताता हूं। तथ्य नंबर एक, IC-814 द कंधार हाईजैक एक वेब सीरीज आती है। कंधार कांड पर बनी इस वेब सीरीज में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की छूट मिलती है, कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है और धड़ल्ले से यह चलती है। शाकिर को शंकर बना दिया जाता है, सोचिए कितना बड़ा गोलमाल है। और अब तथ्य नंबर दो, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर एक फिल्म बनती है, उसको अभी तक, कंगना रनौत की इस फिल्म को अभी तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है और दूसरी तरफ सेंसर की आवश्यकता नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म पर भद्दी भद्दी गालियां आम तौर पर आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर कंगना रनौत की फिल्म को अब तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इन दोनों तथ्यों के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी के दोहरे मापदंड का पता लगता है। तथ्य नंबर तीन, फिल्मों पर सेंसरशिप की लगाम लेकिन OTT पर गालियों की भरमार है। तथ्य नंबर चार, पीके
ओ माय गॉड, काली तांडव में देवी देवताओं का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया गया है और कोई कार्रवाई नहीं होती इनके ऊपर। शिकायत होती है, शिकायत होकर दर्ज हो जाती है और कुछ नहीं होता, थोड़ा शोर मचता है और मुगलों का खूब गुणगान होता है। तथ्य नंबर 5 यही है, मुगलों का खूब गुणगान होता है जिन्होंने इस देश को लूटा, लेकिन हिंदू राजाओं से जुड़े तथ्यों से छेड़छाड़ होती है। प्रश्न यही है कि हम अपनी सभ्यता को संजोग को तो संजोग के तो नहीं रख सकते, लेकिन जो अभी भी दिखा रहे हैं वो गलत है। तथ्य नंबर 6, हवस का पुजारी गुनाहों का देवता जैसी फिल्में बनती हैं जो हिंदू आस्था पर एक गहरी चोट है। बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा सवाल यह है, मनोरंजन और क्रिएटिविटी की आड़ में कोई टूल किट काम कर रही है जो सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाती है और बाकी किसी धर्म को निशाना बनाने की हिम्मत तक नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव